अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल न्यू टॉपिक जो है सीमॉस लेआउट बेसिक लेयर। मतलब कि इस टॉपिक का ये मीन्स है कि अगर हम लोग कोई भी लेयर लेआउट बनाते हैं सीमॉस का, तो हमें ये चार लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहली है पॉलीसिलिकॉन लेयर, जिसको हम गेट बॉक्स भी कहते हैं या गेट लेयर भी कहते हैं। फिर हमारे आता है डिफ्यूजन बॉक्स, फिर आता है कॉन्टैक्ट बॉक्स। कॉन्टैक्ट बॉक्स कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, और मेटल लेयर बॉक्स जो कि हमारे इनपुट आउटपुट वगैरह को शो कराने के लिए और कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। तो पहले तो मैं सिंपल एग्जांपल है हमारी सीमॉस इन्वर्टर की, तो मैंने ये बना दिया पहले। जैसे कि आपको पता है ऊपर होता है हमारे पीमॉस, नीचे होता है हमारा एनमॉस, और ये है हमारा इनपुट और ये है हमारा आउटपुट। सही है। अब फर्स्ट स्टेप इस के हम पहले दो पॉलीसिलिकॉन लेयर्स बना देंगे। सही है, ये मैं सही है। ये हमारे ऊपर वाली जो हमने पॉलीसिलिकॉन लेयर बनाई है, ये हमारी है पीमॉस के लिए, ये वाली है हमारे पास एनमॉस के लिए। हम इसको डिफरेंस दिखाने के लिए हम इसमें पी मॉस के ऊपर हमने एन लेयर बिछा दी या लगा दी। सही है। ये है हमारी एन वेल लेयर ऑन पी मॉस। सही है। अब हमारा ये है सोर्स, ये है ड्रेन, ये है ड्रेन और ये है सोर्स। रिवर्स चीज़ है, सोर्स ड्रेन, ड्रेन सोर्स। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में हमने एक गेट लेयर या पॉलीसिलिकॉन लेयर बना दी। सही है। अब बात यह है कि हम यहाँ पे पहले ऊपर देखेंगे, ऊपर क्या है हमारे पास सोर्स और ड्रेन। हमने यहाँ पे सोर्स लिखा फिर ड्रेन लिखा। अब हमने नीचे वाले को देखा क्या है यहाँ पे सोर्स और ड्रेन। भले आप यहाँ पर ड्रेन या सोर्स लिखें, आपकी मर्जी। ये हमारा होता है ग्राउंड। सही है। तो हम लोग यहाँ पर ग्राउंड की मेटल लेयर बनाएंगे, और ये हमारा कॉन्टैक्ट है ताकि उन दोनों वो दोनों आपस में जुड़ जाएं। सही है। ग्राउंड और हमारा ये सोर्स। सही है। ये आपस में जुड़ जाएं, इसलिए हमने ये कॉन्टैक्ट बॉक्स लगाया है। अब हमारे पास हम लोग देख रहे हैं ये डी दोनों ड्रेन पी मॉस और एन मॉस का आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक मेटल लेयर बना दी। इसको भी आप ऐसे कॉन्टैक्ट बॉक्स लगाएंगे ताकि वो जुड़ जाए। सही है। और यहाँ पे आप देखें कि आउटपुट इन दोनों में से निकल रहा है, जो कि हमारे हैं दोनों ड्रेन का कनेक्शन। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया वी आउट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है वी डी डी से कनेक्शन है हमारे ऊपर वाली पी मॉस का, तो हमने यहाँ पे एक और मेटल लेयर बना दी। सही है। और यहाँ पे हमने लगा दिया वी डी डी और यहाँ पे हो गया कॉन्टैक्ट बॉक्स। अब आप देख रहे हैं कि ये होती है गेट लेयर। सही है। अब हमारे गेट लेयर में से हमारा आता है वी इन, जो कि हमारा है इनपुट, और यहाँ पे भी हमने एक कॉन्टैक्ट बॉक्स लगा दिया और ये हमारा हो गया है इनपुट। सही है। अब इससे हाँ, तो एक और ये चीज़ होती है कि इसमें डिफ्यूजन भी हम करते हैं, जहाँ जहाँ सोर्स ड्रेन ड्रेन सोर्स होते हैं उसमें हम डिफ्यूजन करेंगे। सही है। ये तो हो गया हमारा पूरा। सही है। लेआउट कैसे बनता है ये मैंने आपको सही तरह बता दिया। तो हम लोग रिविजन करेंगे। पहले हम लोग ने पॉलीसिलिकॉन लेयर बनाया फॉर पी मॉस के लिए और फॉर एन मॉस के लिए। फिर हम लोग अगर ऊपर से देखते हैं, ऊपर वाले में क्या है, हमारे वी डी डी सोर्स दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और जो हमारे इन दोनों का गेट है उसमें से हमारा इनपुट आ रहा है, और जो हमारे ये दोनों ड्रेन ड्रेन है ये आपस में कनेक्ट हैं और उसमें से आउटपुट आ रहा है, तो हमने वो लिख लिया। और जो नीचे जो कि एन मॉस है उससे क्या लगा हुआ है, उसके सोर्स से हमारा ग्राउंड लगा हुआ, ये रहा ग्राउंड। सही है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो इसमें ना समझ आने में, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको और भी, मतलब अभी तो आगे आएंगी और भी एग्जांपल, तो इसमें और भी क्लियर कट पता चल जाएगा कि कैसे
बनेगा। बस प्रैक्टिस की बात है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा आप इसमें हो जाएंगे। थैंक यू।